ये तो स्मॉल सिग्मा होता है और ये होता है कैपिटल सिग्मा. तो कैपिटल सिग्मा इज फॉर समेशन या एडिशन, और स्मॉल सिग्मा से हम तीन चीजें रिप्रेजेंट करते हैं, या तो करंट डेंसिटी, अभी देखा था इससे पहले वाले टॉपिक में करंट डेंसिटी, या फिर सरफेस चार्ज की यही होता है, और कंडक्टिविटी के लिए भी है. तो कंडक्टिविटी क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल टू वन अपॉन रो. ठीक है, तो अब जो रो है, रो की यूनिट हम देख चुके थे, रो की यूनिट होती है ओम मीटर. तो सिग्मा की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम आ जाएगा ऊपर, ओम की पावर माइनस वन मीटर की पावर माइनस वन. अगर कोई भी टर्म नीचे से ऊपर आ जाता है तो उसकी पावर माइनस वन हो जाती है. तो इसको क्या कह सकते हैं, यही पर ओम पर मीटर. अभी जो पर ओम है इसको हम महो भी बोल देते हैं या सीमेंस बोल देते हैं. तो सीमेंस पर मीटर ये भी बोला जा सकता है. तो कंडक्टिविटी की यूनिट वो अलग से हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है. ये रेसिस्टिविटी या रेसिप्रोकल है तो उसकी यूनिट भी वही हो जाएगी. सिग्मा जो है, सिग्मा यूज़ करा जाता है करंट डेंसिटी के लिए भी. ठीक है, करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी होती है करंट पर यूनिट सर्फेस एरिया. लास्ट क्लास में करा था ना, सॉरी ये मैं गलत लिख गया, ये नहीं, सिर्फ ये सरफेस चार्ज और कंडक्टिविटी के लिए होता है. ठीक है, सरफेस चार्ज क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया. ठीक है, और कंडक्टिविटी वो ये है. तो कई बार क्या होता है कि हम एक ही टर्म से दो अलग अलग चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने 11th क्लास में करा होगा प्रेशर, तो प्रेशर को करते हैं पी से रिप्रेजेंट, और यहाँ 12th में आप पढ़ेंगे कैपिटल पी, पावर को भी हम पी से ही डिनोट करते हैं. तो एक ही अल्फाबेट से हम दो अलग अलग टर्म्स को भी कभी कभी डिनोट करते हैं. चलिए जी, तो ये कंडक्टिविटी हो गया, कंडक्टिविटी क्लियर है, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी. ठीक है ना, सिंपल है, आगे चलते हैं. अगला टॉपिक है हमारा, पेज नंबर 9 पर आ जाइए आप अपने नोट्स में, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या है, इसमें देखिएगा, इफ कैपिटल ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स इज गिवन बाय. तो हम ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो वी अपॉन एल होगा. वी मतलब उसके टर्मिनल्स के बीच का डिफरेंस. ठीक है, आप वैसे भी याद करिए कि जब हम टर्मिनल्स के बीच के डिफरेंस को आर बोलते थे तो ई में और बी में एक रिलेशन ये भी होता है, माइनस डी बी अपॉन डी आर. तो माइनस क्यों होता है, क्योंकि पोटेंशियल की और इलेक्ट्रिक फील्ड की दोनों भी डायरेक्शन अपोजिट होती है, इस वजह से माइनस कहते हैं. और डी आर, डी बी क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज, स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, और डी आर क्या है, स्मॉल डिस्टेंस. ठीक, तो वैसे कुल मिलाकर देखा जाए तो क्या होता है, पोटेंशियल को अगर लेंथ से यानी कि डिस्टेंस से डिवाइड कर दें तो वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है. तो ई इज इक्वल टू ई अपॉन एल. तो यहाँ से इसीलिए उन्होंने लिखा है ई इज इक्वल टू ई एल. ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है. ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई. उसके बाद आप ये देखिएगा कि उसके बाद देखिए कि इसमें जो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ के हिसाब से हम बोल सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर. पेज नंबर 9 है. फ्रॉम ओम्स लॉ क्या लिखा, रेजिस्टिविटी के टर्म्स में लिखा,
तो I into rho L upon A, इधर L से L cancel out हो गया, तो E की वैल्यू क्या आ गई, I upon A into rho. अब ये जो I upon A है ये क्या होता है बताएंगे, ये जो मैंने काटा था यहाँ current density, लास्ट क्लास में हमने करा था कि करंट पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी. तो ई इज इक्वल टू जे रो, ठीक है. उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट लाइन जो लिखी हुई है वो क्या है, ई इज इक्वल टू जे रो, तक तो समझ में आ गया, ठीक है. चलिए तो नेक्स्ट देखिएगा, एज द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी जे वैक्टर इज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वैक्टर, we can write the above equation as, हम इसको वैक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ई वैक्टर इज इक्वल टू, और रो एक कॉन्स्टेंट है रेजिस्टिविटी, इसको ऐसे लिख दो और जे वैक्टर के ऊपर एरो लगा, ये हो गया. और ई वैक्टर इज इक्वल टू रो को क्या बोल सकते हैं, वन अपॉन सिग्मा, जब सिग्मा की वैल्यू वन अपॉन रो है तो रो की वैल्यू क्या होगी, वन अपॉन सिग्मा, तो हमने रो की जगह लिख दिया वन अपॉन सिग्मा, और इधर है जे वेक्टर, सिग्मा को इधर ले आओ, सिग्मा ई वेक्टर इज इक्वल टू जे वेक्टर, मतलब जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर, ये हो गया. द अबव इक्वेशन इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, कोई मुश्किल तो नहीं लगा इसमें, ठीक है. तो ये वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं. तो अब जैसे आज हमारी दूसरी क्लास है, इस तरह से पढ़ना ठीक है या वो जो मैं नोट्स बनवा रहा था वैसे जैसे आप कहेंगे वैसे कर लेंगे, ठीक है. ऐसे तैयारी सही हो रही है, समझ में आ रहा है इससे, ठीक है. मैं थोड़ा सा लिखने का टाइम बचाना चाह रहा हूँ, ठीक है. न्यूमेरिकल्स तो करानी है, वो तो ओरली नहीं हो सकते. हमने क्या करा ना, यहाँ तक तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं वेक्टोरिकली. कि अगर वेक्टोरिकली देखा जाए तो हम क्या करेंगे, हम इसमें सिर्फ वेक्टर्स के सिंबल लगा. अगर आप शुरू से वेक्टोरिकली लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी ई वेक्टर ई वेक्टर ई वेक्टर सब लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है. चलिए जी आगे चलते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेसिस्टिविटी वैल्यूज, रेसिस्टिविटी के बेस पर हम सॉलिड्स को किस तरह से क्लासिफाई करेंगे, ये हमारा टॉपिक क्लियर है भूमिका. ठीक है. द मटेरियल्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट फेयरली वेल आर कॉल्ड कंडक्टर्स, जो इलेक्ट्रिक करंट को बहुत अच्छे से कंडक्ट कर देते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, मटेरियल्स को बोलते हैं कंडक्टर्स. हर चैप्टर में दे हैव लो रेसिस्टिविटीज इन द रेंज ऑफ, ये क्या है कि रेसिस्टिविटी के टर्म्स में है, तो ये बस याद रखना होगा. और कई बार ये जो बार बार आते हैं ना कंडक्टर इंसुलेटर सेमी कंडक्टर, ये जो है ये एक एक नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो कई बार ये पूछा जाता है कि रेसिस्टिविटी के टर्म्स में बताइए. तो आपको क्या कहना है कि जिनकी रेसिस्टिविटी 10^-8 ohm से 10^-6 ohm के बीच में हो उनको हम बोलेंगे कंडक्टर्स, वो कंडक्टर्स. सर लेकिन अगर इसकी सिंपल डेफिनेशन लिख के आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं. हाँ 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 उसी पर आओ. अब आप देखिएगा कि अब क्या होता है कि द मटीरियल्स इंसुलेटर, देखिएगा द मटीरियल्स विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, दे हैव हाई रेसिस्टिविटी मोर देन 10^4 ohm. तो कंडक्टर्स में क्या रेंज बताई गई, कंडक्टर्स में रेंज थी 10^-8 ohm टू 10^-6 मीटर, ये तो कंडक्टर्स में हुई. और इंसुलेटर्स में मोर देन 10^4 ohm. अब ये रेसिस्टिविटी का मतलब क्या है,
रेसिस्टिविटी का मतलब यह है कि रेसिस्टेंस ऑफर करने की कैपेसिटी, यानी कि करंट को रोकने की कैपेसिटी। वो इंसुलेटर क्या करते हैं, सारे के सारे करंट को रोक ही देते हैं, वो फ्लो ही नहीं होने देते, ठीक है। अगला देखिएगा, थर्ड है सेमी कंडक्टर्स। दीज आर द मटीरियल्स हुज रेसिस्टिविटी लाई इन बिटवीन दोज ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इनकी रेसिस्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में लाई करती है। मतलब आप ये देखिए कि इसकी रेसिस्टिविटी मैक्सिमम कितनी थी, 10^-6, ठीक है, और इनकी रेसिस्टिविटी 10^4 से ज़्यादा है। तो 10^-6 और 10^4 के बीच में अगर कुछ होगा तो क्या होगा, आप जान रहे हैं ना 10^-8 का मतलब क्या, छोटी वैल्यू है, और 10^-6 का मतलब क्या, बड़ी वैल्यू है। तो जिसकी पावर नेगेटिव में देखने में ये 10^-8 है, तो इसका मतलब ये 1/1 के आगे 8 ज़ीरोज़ होगी, 1/1 के आगे 6 ज़ीरोज़ होगी, तो ये बड़ी वैल्यू है। और 10^4 है, ये तो बाकी में बहुत बड़ी वैल्यू है। तो सेमीकंडक्टर में क्या होगा कि उनकी जो रेसिस्टिविटी है रो, वो 10^-6 से ज़्यादा होगी और 10^4 से कम होगी, ठीक है। अच्छा, आप ये पूछ रहे थे कि अगर उस रेसिस्टिविटी 10^-8 से भी कम हो जाए, सुपर कंडक्टर बोल देंगे उसको। सुपर कंडक्टर यानी कि मतलब उसकी रेसिस्टिविटी इतनी कम है कि भाई वो कुछ रोकने की उसके अंदर कैपेबिलिटी है ही नहीं, वो सब कुछ फ्लो करने देंगे, समझ गए। सुपर कंडक्टर का एग्जांपल होता है यूरेनियम, यूरेनियम होता है इसका एग्जांपल, और सुपर कंडक्टर भी है हमारे सिलेबस में, करेंगे उसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं हम कॉमन कमर्शियल रेसिस्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन कमर्शियल रेसिस्टर्स। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट किस सेंस में है कि ये वाला टॉपिक ना पिछले 2 साल से हटा हुआ था, इस साल इंक्लूड करा गया है। जब इंक्लूड करा गया तो कुछ सोच कर करा गया होगा, तो आसान है, आपको बढ़िया लगेगा ये टॉपिक। देखिएगा, कमर्शियल रेसिस्टेंस आर ऑफ टू मेजर टाइप्स, दो तरीके के होते हैं, वायर बाउंड रेसिस्टर्स और कार्बन रेसिस्टर्स। अब इसमें जो वायर बाउंड रेसिस्टर्स है वो देखिएगा, दीज आर मेड बाई वाइंडिंग द वायर्स ऑफ एन अलॉय लाइक मैंगनीन, कॉन्स्टेंटन और निक्रोम ऑफ एन ऑन एन इंसुलेटिंग बेस। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग दीज अलॉयज इज दैट दे आर रिलेटिवली इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर। तो इनका एडवांटेज क्या होता है, इनका फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि दे आर इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर। इनसेंसिटिव का मतलब ये, टेम्परेचर बढ़ जाए टेम्परेचर घट जाए इनके रेसिस्टेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनको जितना रेसिस्टेंस ऑफर करना है उतना ही रेसिस्टेंस ऑफर करना है। तो इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है। या तो मैंगनीन या कॉन्स्टेंटन या निक्रोम अलॉय को अगर एक इंसुलेटिंग बेस के ऊपर वाइंड कर दिया जाए तो वो वायर बाउंड रेसिस्टर हो जाता है, ठीक है, बस इतना इसमें करते हैं, वायर बाउंड रेसिस्टर। और वायर बाउंड रेसिस्टर पर सिर्फ ये चीज़ पूछी जाएगी कि भाई वायर बाउंड रेसिस्टर क्या है, बस, और इस पर क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन जो है वो बनता है जनरली कार्बन रेसिस्टर्स में, ठीक। तो ज़रा देखिएगा, दे आर मेड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ कार्बन ब्लैक क्ले एंड रेजिन बाइंडर। रेजिन बाइंडर पता है क्या होता है, ये बचपन में एक मिट्टी आया करती थी खेलने की, उस पर क्या होता था कि उसमें हम अलग अलग तरीके की शेप्स बना देते थे, जो प्लेइंग वाली जो क्ले होती थी, वो वाली क्ले जो होती थी, चाइना क्ले बोलते थे इसको। तो ये रेजिन बाइंडर जो है, रेजिन बाइंडर मतलब किसी भी चीज़ को चिपकाने वाला बाइंडर होता है, फेविकोल के जैसा होता है, विच आर प्रेस्ड एंड देन मोल्डेड इनटू सिलेंड्रिकल रॉड्स बाय हीटिंग। द रॉड्स आर एनक्लोज्ड इन अ सेरामिक और प्लास्टिक जैकेट, दे हैव द फॉलोइंग एडवांटेजेस, ठीक है। तो मेरे पास रखा हुआ था एक, तो पता नहीं कहीं उधर तक गुम हो गया, छोटे छोटे से होते हैं रेसिस्टर्स, तो ये देखने में ऐसे लगते हैं जैसे कैप्सूल होता है ना खाने में, तो जैसे कैप्सूल होता है, तो कैप्सूल का भी आधा कर दो साइज, मतलब बहुत छोटा होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ऐसा होता है। तो ये बनाया किसके किसकी हेल्प से जाता है, कार्बन की हेल्प से, क्ले की हेल्प से और रेजिन बाइंडर की हेल्प से, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ रेसिस्टेंस की। अच्छा, दे हैव द फॉलोइंग एडवांटेजेस, दे कैन बी मेड विद रेसिस्टेंस वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम फ्यू ओम्स टू सेवरल मिलियन ओम्स। पहला एडवांटेज इसका ये है कि बहुत कम वैल्यू का भी रेसिस्टेंस बना सकते हैं इसी मेथड से, और बहुत ज़्यादा वैल्यू का भी बना सकते हैं, पहली एडवांटेज। दूसरी, दे आर क्वाइट चीप एंड कॉम्पैक्ट, बहुत छोटे होते हैं और बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं। क्या हुआ बता दो। चलिए फिर थर्ड है, दे आर गुड इनफ फॉर मैनी पर्पजेज, बहुत पर्पजेज में अच्छे होते हैं।
अच्छा, अब इसमें सवाल क्या बनता है वो देखिएगा, कलर कोड ये एडवांटेज ये है मैनी पर्पसेस, मतलब ये है कि जितना जहाँ जहाँ पर भी हमको रेसिस्टेंस की ज़रूरत है वहाँ पर यही यूज़ होता है, वायर बाउंड यूज़ नहीं होता, कार्बन रेसिस्टेंस सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। मैनी पर्पसेस का मतलब ये नहीं है कि खेलने कूदने में भी वही काम आता है। चलिए जी, कलर कोड फॉर कार्बन रेसिस्टर्स, अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास ना ये प्रैक्टिकल भी है और आपके यहाँ जब क्लास में करवाएंगे ना तो प्रैक्टिकल में भी ये चीज़ करवाई जाएगी। ये बॉक्स ले आएंगे, उस बॉक्स में से लाकर नीले पीले ऑरेंज अलग अलग रंगों के वो रेसिस्टर्स लाकर बिखेर देंगे टेबल पर और सब बच्चों से कह देंगे जब भी एग्जामिनर आएगा कि सब एक 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 रेसिस्टर उठा लो, तो झपट्टा मारेंगे उस पर बच्चे कि जिसको जो अच्छा लग रहा है, ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन जिसका लग रहा है कि मैं ये भी उठा लूँ ये भी उठा लूँ, सबने उठा लिया। अब जिस जिसके पास जितने जितने रेसिस्टर हैं बता दो भाई, सबने बता दिया इतने इतने रेसिस्टर हैं, तो फिर आपसे सबसे ये कहा जाएगा कि अब इनकी वैल्यू लिखो कि इस रेसिस्टर की वैल्यू क्या है। तो रेसिस्टर पर कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई, रेसिस्टर का रंग होता है, कलर होता है, उस कलर को देखकर आपको बताना है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। वैल्यू मतलब 5 ओम का है, 2 ओम का है, 4 ओम का है, 10 ओम का है, कितने ओम का है, तो वो आप रेसिस्टर का रंग देखकर बता सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमने कभी भी कोई वायर है हमारे पास, जैसे मान लीजिए ये कनेक्टर लगा हुआ है, यहाँ पर वायर है, हम मान लो हम इस वायर को छीन लें, एक ब्लेड लेकर या एक सीजर लेकर हम इसको बीच में से काटना शुरू करें, तो वायर को हम जब छीन देंगे तो हमें अंदर ना 3 तरीके के वायर नज़र आएंगे, ग्रीन कलर का, एक रेड कलर का, एक येलो कलर का, ये 3 अलग अलग रंगों के वायर होते हैं, तो इनका भी कुछ मतलब होता है। येलो होता है लाइफ वायर, सर ये सारे कलर्स का नंबर वगैरह और ये याद जरा देखो तो सही, मुश्किल है क्या, जरा देखो तो सही, नंबर्स तो पढ़ो जरा ऊपर से नीचे तक, नंबर क्या है, पहले नंबर पर आ जाओ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, तो गिनती है। अब जरा देखिएगा, उसके बाद मल्टीप्लायर लिखा हुआ है, मल्टीप्लायर में क्या 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, कहाँ तक 10 की पावर 9 था, ठीक है। अब आ जाइए कलर पर, तो कलर भी रखने की ज़रूरत नहीं है, कलर के लिए ना ये याद रख लेते हैं, BBY ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, ठीक है, BBY ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, कि BBY है कोई ग्रेट ब्रिटेन का, उसकी वाइफ बहुत अच्छी है, ठीक है। तो जरा देखिएगा कैसे, पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए आपको ये टेबल भी बनाने की जरूरत नहीं है, आप काउंटिंग करके ऐसे ही बता दोगे। तो ये कलर इस तरीके से हो गए, कलर को तो बाद में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, ज़्यादा भयानक कलर कौन सा है, बी की अगर हम बात करते हैं तो बी से 2 कलर बनते हैं, एक तो ब्लैक और ब्लू, तो ज़्यादा भयानक कलर कौन सा है, ऐसे ही किसी को ब्लू भी लग सकता है, 3 है, चलो ठीक है। तो हम एक काम करेंगे ना, फिर पहले वाला तो ब्लैक हो गया और फिर ब्राउन हो गया, ठीक, तो पहले ब्लैक फिर ब्राउन और फिर बचा क्या, ब्लू हो गया। तो हमें ये याद रखना है, पहले ब्लैक आएगा फिर ब्राउन आएगा फिर ब्लू आएगा। अब इसका जो आपने एब्रीविएशन बना रखा है कि कलर है, तो इसका जो एब्रीविएशन है शॉर्ट में ऐसे ही एडबल भी लिखा, BBY ऑफ ग्रेट ब्रिटेन has लिखने की जरूरत नहीं है, वेरी गुड वाइफ, हो गया। अब जो नंबर है, वो जो नंबर है वो क्या आ जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, दिस बी फॉर ब्लैक, ये ब्राउन हो गया, ये रेड, ये ऑरेंज, ये येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट और ग्रे और वाइट, ये हो गया। अब इसमें जो मल्टीप्लायर है, सर वैसे ही नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, जितना बड़ा नंबर उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस। अरे आ तो रहा हूँ भी, रुको तो सही, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6 और 10 की पावर 9, अभी आ रहे हैं इसके क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद देखिएगा, 3 अलग अलग कलर भी हैं, कलर और इससे टॉलरेंस लेवल पता चलता है। टॉलरेंस लेवल क्या होता है, न्यूज़ में चल रहा था ना पिछले कुछ दिनों में कि इंडिया इज बिकमिंग वेरी टॉलरेंट, इनटॉलरेंट, चल रहा था ना,
चार पाँच साल पहले चल रहा था इंटॉलरेंस असहिष्णुता होता, वो आता था समझ में भी नहीं आता था कि क्या बोल रहे हैं। कलर है, कलर क्या है, गोल्ड सिल्वर और फिर है लास्ट में है नो फोर्थ बैंड। और ये नो फोर्थ बैंड क्या बताऊंगा, और टॉलरेंस का मतलब हो गया सहिष्णुता। सहिष्णुता को तो सीधा सीधा समझ लीजिए सहनशीलता, कितना सह सकता है वो रेसिस्टेंस। मतलब हमने कह दिया भाई 5 ओम का रेसिस्टेंस है, तो क्या थोड़ी बहुत ऊपर और ज़्यादा वैल्यू आ गई अगर रेसिस्टेंस की तो झेल जाएगा कि नहीं झेल जाएगा। हम ये कहेंगे कि वो इस फोर्थ बैंड पर डिपेंड करता है। फोर्थ बैंड क्या है बताता हूँ, तो ये 5%, 10%, 20% बस ठीक है। उसके बाद रेसिस्टेंस फूक जाएगा, खराब हो जाएगा, जल जाएगा। अब जरा देखो कि रंग बिरंगे रेसिस्टेंस आपको मिलते हैं, उनको देखकर उसकी वैल्यू कैसे बताई जा सकती है। देयर आर टू सिस्टम्स ऑफ मार्किंग द कवर बोर्ड्स। फर्स्ट सिस्टम, ये फर्स्ट सिस्टम है हमारा, पेज नंबर 11 पर बिल्कुल नीचे है। अ सेट ऑफ कलर्ड कोएक्सियल रिंग्स और बैंड्स इज प्रिंटेड ऑन द रेसिस्टर व्हिच रिवील्स द फॉलोइंग फैक्ट्स। पहला बैंड इंडिकेट्स द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सेकेंड बैंड इंडिकेट्स द सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर, थर्ड बैंड इंडिकेट्स द पावर ऑफ 10 with which the above two significant figures must be multiplied to get the resistance value in ohms. Fourth band indicates the tolerance or possible variation in percent of the indicated value. अब आ जाइए, ये जो डायग्राम बना रखा है, मीनिंग ऑफ फोर बैंड्स दे रखा है। इस डायग्राम को भी जरा 2 मिनट के लिए छोड़िए, एक क्वेश्चन देखेंगे तो इस डायग्राम का मतलब समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, इन द गिवन फिगर द कलर्स ऑफ फोर बैंड्स आर रेड 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 एंड सिल्वर। तो मैं इधर कर रहा हूँ इसको, और ये टेबल की मुझे जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सिलेंड्रिकल होता है रेसिस्टेंस, अलग अलग रिंग्स बन रहे हैं, छल्ले बन रहे हैं। कैसे, पहला जो बैंड बना हुआ है यहाँ पर, एक ये बैंड है, ये रेड कलर का है। दूसरा जो बैंड बन रहा है ये भी रेड कलर का है, और तीसरा जो बैंड बन रहा है ये भी रेड कलर का है। लाल लाल रंग के 3 अलग अलग बैंड्स बन रहे हैं, और जो चौथा बैंड है, तो चौथा बैंड जो है वो टॉलरेंस लेवल बताता है। चौथा बैंड या तो गोल्ड का होगा या सिल्वर का होगा, या चौथा बैंड होगा ही नहीं, 3 ही बैंड होंगे बस ठीक है। तो जो फोर्थ बैंड है वो कितने, वो किस कलर का बन रहा है, सिल्वर का। तो हमारा जो फर्स्ट बैंड है वो क्या शो करता है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो आप इधर देखेंगे रेसिस्टेंस आर, तो आर फॉर 2, नंबर क्या है 2, तो यहाँ लिखो 2। सेकेंड बैंड रिप्रेजेंट करता है सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर, तो अगेन आर फॉर 2, तो यहाँ लिखो 2, 2, तो 2 क्या हो गया 22। और थर्ड बैंड जो है वो मल्टीप्लाई मल्टीप्लायर बताता है कि मल्टीप्लाई आपको किससे करना है, 10 की कौन सी पावर से। तो अगेन आर है रेड, यानी कि 10 की पावर 2, तो 22 इंटू 10 की पावर 2 ओम्स, ये तो रेसिस्टेंस की वैल्यू होगी। 22 इंटू 10 की पावर 2 ओम्स, ये तो रेसिस्टेंस की वैल्यू होगी। अब कितना झेल सकता है, कितना सह सकता है वो 10% ऊपर नीचे वेरिएशन सह सकता है, कि अगर वोल्टेज 10% ऊपर नीचे आ जाए तो वो झेल जाएगा ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए प्लस माइनस 10%, समझ गए। तो अगर आज से 20 साल पुरानी बात करी जाए, जब मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का जो सिस्टम है आजकल बहुत अच्छा है, पहले उतना अच्छा नहीं था, तो तब जो है तब वोल्टेजेस का फ्लक्चुएशन बहुत होता था। तो घरों में अक्सर एक प्रॉब्लम हुआ करती थी कि कभी पंखा खराब हो गया, कभी फ्रिज खराब हो गया,
कभी कूलर खराब हो गया, तो ये चीज़ें ना खराब हो जाती हैं वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से, ठीक है। और आजकल ये प्रॉब्लम नहीं है, तो पहले जैसी प्रॉब्लम होती है वैसा सॉल्यूशन भी होता है। तो पहले क्या होता था, पहले जैसे हम आजकल सड़क पर जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, बारिश तेज हो गई ना, तेज बहुत तेज है बारिश, बहुत तेज है। गौर से देखो जरा, अरे फिर देखो गौर से, मुश्किल है देखना। चलो ठीक, नहीं मैं बहुत दूर तक का देख लेता हूँ, बस एक बार सुनाई कर देता, दिखाई बहुत दूर तक का देखता हूँ। कितना भी भीगता हुआ जाए मुझे बारिश की बूंदें दिखाई देंगे बहुत तेज, और अगर यकीन ना हो तो कोई भी बच्चा बाहर जाकर देख सकता है, बारिश होगी बहुत तेज, सच में, ठीक है। पता है क्या होता है, किसी भी चीज़ को अगर थोड़ी देर तक आप एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेट करने लगे तो आपको कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस दिखाई दे जाता है। आप देखो जरा गौर से देखो, ऐसे ही पेड़ पौधों के आसपास ऐसे ही देखो, तो आपको छोटी छोटी बूंदें बहुत तेजी से गिरती हुई दिखाई दे रही है। सर आसमान में नहीं दिख रही, नीचे दिख रही, मतलब पीछे कुछ बैकग्राउंड तो चाहिए ना, आसमान तो क्या, आसमान तो प्लेन वहाँ नहीं दिखाई दे रहा। हाँ मैं कह रहा हूँ मुझे तो दिखाई दे रहा है, अगर वो पीछे को दिखा हुआ है कार करके पीछे का ब्लैक कलर का, उसके पीछे दिख रहा है बहुत तेज हो रही है बारिश। चलिए जी, तो तब इस तरीके की ये होती थी कि जैसे किसी मार्केट में गए तो मार्केट में क्या होता था, टी वी रिपेयर, फ्रिज रिपेयर, कूलर रिपेयर, फैन रिपेयर, उनकी ना शॉप्स होती थी। आजकल देखिए ना ये वाली शॉप्स, कहीं गांव में चले जाओगे तो देख लोगे, क्योंकि गांव में थोड़ी बहुत अभी भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन होती है, शहरों में या नॉर्मल टाउन्स में नहीं होती। तो पहले होता था कि रिक्शा में एक बच्चा बैठा हुआ जा रहा है, एक नंबर का टी वी देखे के कहाँ जा रहा है, टी वी खराब हो गया ठीक कराने जा रहा है, कल से मैच शुरू हुआ। अरे स्टेबलाइजर पहले भी होते थे, तो जब वोल्टेज इतनी ज़्यादा खराब होती थी स्टेबलाइजर फूकता था पहले, फिर टी वी फूकता था, दोनों चीज़ें साथ साथ। तो खैर ये हाँ टी वी में, फ्रिज में, सब में लगते थे स्टेबलाइजर लगते थे। अब जरा देखिएगा, तो ये हमारा रेसिस्टेंस की वैल्यू होगी, बताइए समझ में आ गया, हाँ बताओ भाई भूमिका क्लियर है, आवाज आ रही है मेरी? अगर कमाएगी तो वो चलता चलता बंद हो जाएगा, तो वो चलता चलता बंद हो जाएगा, तो वो खराब नहीं होगा। कई बार आपने नोटिस करा होगा, कई बार ऐसा होता है कि एसी जो है, एसी भी जब वोल्टेज ड्रिप होती है ना, ये दो तीन महीने में कभी एक या दो बार होता है, तो वो धीरे 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 करके बंद हो जाता है, उसकी लाइट ड्रिप हो जाती है, तो वो फूकता नहीं है। लेकिन जब वोल्टेज अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा आ जाती है तो एसी नहीं फूकेगा, तब स्टेबलाइजर फूकेगा, ठीक है। आजकल सॉलिड स्टेट डिवाइसेज आ रही हैं, तो वो जो है वो सारा प्रॉब्लम खुद झेल जाती है, डिवाइस को ख़राब नहीं होने देती। अगला एग्जांपल देखो भाई, इन द गिवन फिगर द कलर्स ऑफ द फोर बैंड्स आर येलो, वायलेट, ब्राउन एंड गोल्ड, द रेसिस्टेंस वैल्यू इज। अब आप ये देखिए, मैं ये फिगर बनाकर नहीं दिखा रहा हूँ, तो पहला बैंड है येलो का, तो येलो का मतलब क्या हो गया, फोर। तो एग्जांपल टू सीधा सीधा कर रहे हैं, येलो का मतलब क्या हो गया, फोर। उसके बाद दूसरा बैंड जो है वायलेट का है, तो वायलेट का मतलब हो गया सेवन, फोर सेवन मल्टीप्लाइड बाई। तीसरा बैंड है ब्राउन, ब्राउन का मतलब वन, तो टेन की पावर वन, 47 इंटू 10 की पावर 1, ठीक है। और गोल्ड, गोल्ड का मतलब प्लस माइनस 5%, इतना बूम है, और ये प्लस माइनस 5% इसका टोलरेंस है, यानी कि इसकी सहन शक्ति है, इतना ही सह सकता है, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद एग्जांपल नंबर 3 देखिए, एग्जांपल नंबर 3 पेज नंबर 13 पर है बिल्कुल ऊपर। इन द गिवन फिगर देयर आर ओनली 3 बैंड्स ऑफ ग्रीन, वायलेट एंड रेड कलर्स, द रेजिस्टेंस वैल्यू इज। तो ग्रीन, वायलेट, रेड और चौथा बैंड ही नहीं है, चौथा बैंड नहीं है, तो टॉलरेंस लेवल क्या हो जाएगा, 20%, ठीक है। एग्जांपल 3 देखिएगा, एग्जांपल 3 में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, पहला दे रखा है ग्रीन, तो ग्रीन इज फॉर 5, दूसरा दे रखा है वायलेट, वायलेट इज फॉर 7, और तीसरा दे रखा है रेड, रेड इज फॉर 10 की पावर 2। वो चौथा बैंड ही नहीं है, तो प्लस माइनस 20%, ठीक है। तो ये हमारा पहला वाला सिस्टम था, पहले वाले सिस्टम में जो हमारा सिलेंड्रिकल रेसिस्टेंस है वो किसी भी कलर का हो सकता है, उस पर हमें जो उसके ऊपर बैंड्स बने होते हैं, हमें उन बैंड्स के कलर्स देखने होते हैं बस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये गोल्ड है और सिल्वर की चीज का है, ये भी बैंड होता है ना, बैंड होता है, फोर बैंड, तीनों से
1, 2, 3 यहाँ पर कहाँ है गोल्ड सिल्वर, यहाँ नहीं है, ठीक है, तो वो सिर्फ टोलरेंस बताएगा गोल्ड और सिल्वर, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं दूसरा सिस्टम होता है, मतलब एक बिल्कुल अलग तरीके के रेसिस्टर्स आ जाएंगे कि उस पर आपको ऐसे रिंग्स बने हुए, ऐसे छल्ले बने हुए दिखाई नहीं देंगे, तो उसमें क्या करना है वो अलग तरीके से आपको डिफाइन करा जाता है। तो दूसरा सिस्टम देखिएगा, सिलेंडर रेसिस्टर जो है, रेसिस्टर होगा तो सिलेंड्रिकल शेप का ही। तो पहला क्या था, वायर बाउंड रेसिस्टर, उसकी केवल और केवल थ्योरी करनी है कि उसमें क्या होता था कि एक जो हमारा क्ले होता था, क्ले के ऊपर उसको जो है बाउंड करा जाता था कॉन्स्टेंटर वायर को या मैग्नेटिक वायर को, ठीक है। और ये जो है ये किससे बनाए जाते हैं, ये आपका कार्बन से, क्ले से और रेसिन से बनाए जाते हैं, ठीक। हाँ, ये बात, ये जो दूसरा है कार्बन रेसिस्टर, वायर बाउंड रेसिस्टर की सिर्फ थ्योरी थ्योरी करनी है। फिर से एनसीआर बता दो क्या बात। चलिए देखिए, द कलर ऑफ द बॉडी गिव्स द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, द कलर ऑफ द एंड गिव्स द सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, द कलर ऑफ द डॉट गिव्स द नंबर ऑफ जीरोस टू बी प्लेस्ड आफ्टर द सेकंड फिगर, द कलर ऑफ द रिंग गिव्स द टोलरेंस ऑफ परसेंटेज परसेंट एक्यूरेसी ऑफ द इंडिकेटेड वैल्यू। तो जरा देखो यहाँ पर क्या होगा, सेकंड सिस्टम की जब हम बात कर रहे हैं, तो सेकंड सिस्टम में होगा तो सिलेंड्रिकली शेप का, मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, एक एंड ये हो गया और ये मतलब दो एंड्स हो गए इसके, तो जो एंड है एंड का कलर होगा, मान लो एंड यहां पर येलो कलर का है तो इधर भी येलो कलर का ही होगा, एंड के अलग अलग कलर्स नहीं होंगे। फिर इसके ऊपर एक रिंग लगी रहेगी ऐसे, ये है बॉडी और जो इसकी पूरी बॉडी है, इसकी बॉडी पर एक डॉट लगा रहेगा, तो डॉट का कलर देखना होगा। तो हमारे पास चार अलग अलग तरीके के कलर्स यहाँ पर दिए हुए, यहाँ पर भी चार अलग अलग तरीके के कलर्स होते थे, यहाँ पर एक कलर किसका होगा, हैंड का, एक कलर होगा पूरी बॉडी का, एक कलर होगा रिंग का और एक कलर होगा डॉट का। तो द कलर ऑफ द बॉडी गिव्स द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, जो बॉडी का कलर है वो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर देगा, जो एंड का कलर है वो सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर देगा, जो डॉट का कलर है वो नंबर ऑफ जीरो टू बी प्लेस्ड आफ्टर द सेकंड फिगर, यानी कि वो 10 की पावर में लिखने वाले कितने हो गए आपके जीरोज वो, और कलर ऑफ द रिंग्स गिव टोलरेंस ऑफ परसेंटेज लेवल। अब देखो, सपोज फॉर अ गिवन रेसिस्टर द बॉडी कलर इज येलो, बॉडी का कलर येलो है, तो बॉडी का कलर येलो का मतलब क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4 देख रहा हूँ, तो जब बॉडी का कलर येलो है तो येलो का मतलब 4, तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया 4। फिर इन्होंने बोला एंड कलर इज वॉयलेट, ये जो एंड का कलर है वॉयलेट है, वॉयलेट इज 4, 7, तो 47, ठीक है, और जो डॉट है, डॉट का कलर है 3, तो डॉट का कलर 3 है, तो 10 की पावर 3, डॉट का कलर है सॉरी ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब 3। और फिर जो रिंग है, रिंग का कलर उन्होंने बताया सिल्वर, सिल्वर का मतलब प्लस माइनस 10 है। मुश्किल तो नहीं लग रहा है वाला, ठीक है। चलिए, इसके बाद पेज नंबर 14 पर आप आ जाइए, तो पेज नंबर 14 पर मैंने 6 क्वेश्चन दे रखे हैं विद देयर आंसर्स, ये न्यूमेरिकल से ये करते हैं। अब न्यूमेरिकल आपके पास लिखे हुए हैं, हमें न्यूमेरिकल लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल लिखा हुआ है आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, अभी करवाता हूँ, 1 मिनट दीजिए बस। क्या डेरिवेशन आई एंटी को लिख सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, लिखने को मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। देखिए तरीका यही है कि नोट्स अब हमारे हाथ में हैं, नोट्स में आप साथ साथ पढ़ते रहेंगे, उसमें कोई भी चीज़ ऐसी लगती है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, या आप तभी हाथ के हाथ लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
अब जैसे न्यूमेरिकल्स हैं तो न्यूमेरिकल्स सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में भी हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आपको क्वेश्चन लिख कर दे दिए, अब क्वेश्चन आप देखेंगे और सॉल्व मैं यहाँ पर करवाऊँगा, बस दो मिनट रुको। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन देखिए, इन डिस्चार्ज ट्यूब, ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है? जैसे एक कांच की ट्यूब होती है, जैसे समझ लीजिए कि टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब दोनों तरफ से बंद करी गई है और उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई गैस भर दी जाती है, तो उसको डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। तो इन डिस्चार्ज ट्यूब द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स दैट इज प्रोटॉन्स। तो हाइड्रोजन आयन्स में ब्रैकेट में इन्होंने लिख दिया दैट इज प्रोटॉन्स। तो इसका मतलब क्या है कि इन्होंने इसमें यह बता दिया कि हाइड्रोजन का जो आयन है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को जब वो डोनेट कर रहा है तो वो 1 प्लस उसका चार्ज हो गया। 1 प्लस चार्ज का मतलब एक पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज मतलब एक प्रोटॉन, ये बोल दिया इन्होंने। ठीक है, तो द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स दैट इज प्रोटॉन्स ड्रिफ्टिंग अक्रॉस अक्रॉस सेक्शन पर सेकेंड इज 1 × 10⁻¹¹. ठीक है, while the number of electrons drifting in the opposite direction across another cross section is 2.7 × 10⁻¹⁸ per second. तो इन्होंने क्या दिया, इन्होंने उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर टोटल नंबर ऑफ आयंस दे दिए। पॉजिटिव चार्जेस कितना हो गया, कितने हैं टोटल, 1 × 10⁻¹⁸, इतने सारे तो प्रोटॉन्स हैं, और 2.7 × 10⁻¹⁸ इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, अब बोल रहे हैं इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 230 volt, वॉट इज द इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ द ट्यूब। तो आप क्या करेंगे, आप पहले क्या निकालेंगे, टोटल चार्ज, हाँ एन ई, बिल्कुल सही। तो टोटल चार्ज निकालेंगे सबसे पहले, टोटल चार्ज को बोल दो क्यू, क्यू इज इक्वल टू होता है एन ई, एन ई में आप लिखें एन पी प्लस एन सबस्क्रिप्ट में ई मल्टीप्लाइड बाई ई। एन पी का मतलब आप समझ गए होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और एन ई का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें, 1.0 × 10⁻¹⁸, 1 × 10⁻¹⁸, ठीक है,
प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है 2.7 × 10⁻¹⁸ मल्टीप्लाइड बाई ई कितना है 1.6 × 10⁻¹⁹ ठीक है। चलिए दोनों को ऐड करिए, इधर भी 10⁻¹⁸ है, इधर भी 10⁻¹⁸ है, तो 10⁻¹⁸ तो एक तरह से कॉमन आ गया, तो मुझे तो 1 + 2.7 कितना हो जाएगा 3.7 × 10⁻¹⁸ मल्टीप्लाइड बाई 1.6 × 10⁻¹⁹ ठीक है। 1.6 × 3.7 तो 64 मल्टीप्लाई करिए 37 से 16 × 7 = 1.2 11 कैरी आ गया 63 = 48 48 और 11 कितना हो गया 59 तो ये हमारे पास आ गया 592 और इधर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट पॉइंट के बाद एक डिजिट तो पॉइंट के बाद टोटल दो डिजिट तो 5.92 10⁻¹⁸ और 10⁻¹⁹ 10⁻¹⁹ इतना ये क्या आ गया कूलम्ब आ गया ठीक है। अच्छा क्वेश्चन दोबारा से पढ़िए, उन्होंने बोला था नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस ड्रिफ्टिंग अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में इतने प्रोटॉन्स ट्रैवल कर रहे हैं। ऐसे ही आप इलेक्ट्रॉन्स का देखिए 2.7 × 10⁻¹⁸ पर सेकंड, तो एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे हैं, तो एक सेकंड में इतने प्रोटॉन एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब ये जो चार्ज फ्लो कर रहा है ये भी तो एक ही सेकंड में फ्लो कर रहा है ठीक है। तो लिखिएगा चार्ज पर यूनिट टाइम, इसी को तो करंट बोलते हैं ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, आई इज इक्वल टू हो गया क्यू अपॉन टी और एक सेकंड के लिए दे रखा है इन्होंने, तो कितना हो गया 5.92 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब अपॉन 1 सेकंड, टाइम दोनों के लिए पर सेकंड दे रखा है ना, एक एक सेकंड में दे रखा है ठीक। तो क्यू अपॉन टी जब मैं करूँगा तो मेरे पास करंट आ जाएगा, तो सीधा सीधा क्या हो गया, ये हो गया बेटा 5.92 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻¹⁹ एम्पियर, तो ये जो वैल्यू आ गई हमारे पास ये एम्पियर आ गई, ये करंट आ गया। उसके बाद वो बोल रहे हैं इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 230 वोल्ट फाइंड द व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द ट्यूब, तो रेजिस्टेंस कितना दे सॉरी वोल्टेज कितना दे रखा है 230 वोल्ट ठीक है। ओम्स लॉ लगा दो, चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम किस लिए निकाल रहा, क्योंकि वोल्टेज दे रखा है 230 वोल्ट ठीक है, रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं तो मुझे ओम्स लॉ लगाने के लिए करंट चाहिए और वो उन्होंने दे ही रखा है कि वो पर यूनिट टाइम यानी कि पर सेकंड का दे रखा है, तो वो हो गया बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ से R कितना हो जाएगा V अपॉन I। सर हाँ बोलो, अभी क्वेश्चन करते हुए ये भूल जाए क्योंकि ये तो दिख रहा है ना कि पर सेकंड तो ये करके दिखाना जरूरी है कि क्योंकि अपॉन वन तो वही हो जाता है। हाँ अपॉन वन तो वही हो जाता है, कई बार क्या है ना कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स को आपको दे दिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टिंग 1 × सॉरी प्रोटॉन्स दे दिया 1 × 10⁻¹⁸ फ्लोइंग इन 2 सेकंड्स, वो तो दे दिया 2 सेकंड का और वो दे दिया 3 सेकंड का, तो उसका चार्ज अलग निकालोगे है ना, उसका 2 सेकंड के लिए निकालेंगे यानी कि डिवाइड बाई 2 करेंगे, उसका 3 के लिए निकालेंगे मतलब डिवाइड बाई 3 करेंगे और फिर दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल करंट तब आएगा। यहाँ पर क्या दोनों ही एक एक सेकंड के लिए दे रखे थे तो टोटल चार्ज निकालो और टोटल चार्ज निकाल के 1 सेकंड से डिवाइड कर दिया। अब रेजिस्टेंस कितना हो गया V अपॉन I, तो V कितना आया था सॉरी V कितना दे रखा 230 और I कितना है 5.92 × 10⁻¹⁹ 10⁻¹⁹ ऊपर जाकर क्या बन जाएगा 10, तो 230 × 10 / 5.92 ये पॉइंट गया ऊपर 20 और आ गया तो ये बन गया 2, 3 और इसके आगे 1, 2, 3, 4 चार जीरो लगा दो 1, 2, 3, 4 और इसको डिवाइड कर दो 592 से, तो 230 तो आएगा नहीं उसके टेबल में, तो 2300 तक ट्राई करिए, तो
592 है तो 592 फोर्स अगर करेंगे तो बड़ी वैल्यू नहीं आ जाएगी, कोई 592 है लगभग लगभग ये 6 के आसपास नहीं है, 600 कितना आ रहा है, डिवाइड कर दिया के सीधा 388.55, चलो जी डिवाइड कर दिया क्या आ गया 388.51, ठीक है इतना इतना क्या वो आ गया, और जो इन्होंने आंसर दे रखा है वो दे रखा 3.9 × 10^2 हो, तो क्या कर फिर इन्होंने राउंड ऑफ करने के लिए इसको तो इधर ले आए, तो जब इसको दो डिजिट इधर ले आएंगे पॉइंट को तो ये हो जाएगा 3.8851, कितना दो प्लेसेस जैसे हमको लेफ्ट में शिफ्ट करा तो 10^2 हो गया, और अगर ये 1 हटा दो ये 5 हटा दो ये 3.9 इसको अप्रॉक्सीमेटली बोला जा सकता है 3.9 × 10^2 ओम, ठीक है आप उसको 388.51 ओम भी लिख देंगे तो भी चलेगा, और ऐसे अप्रॉक्सीमेट करके लिख देंगे तो भी चलेगा, दोनों तरह से ठीक है, समझ गए यही आंसर दे रखा है नीचे, समझ गए। अगला देखें, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है और 10 volt बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं, हाँ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस अक्रॉस अ 200 volt बैटरी एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 38 ओम, फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। अब एक चीज़ आपको बताऊंगा मैं इसमें जो ध्यान से समझनी है, आपने ये मिटा हुआ है 10th क्लास में ना जब आपने इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें सबसे पहले ये देखा होगा कि बैटरी बनती कैसे है, नहीं भी पढ़ा है तो भी मैं बताऊंगा, चलिए जी। तो बैटरी जो है, बैटरी में ये कहा जाता था कि बैटरी ऐसे बनती है, ये अब 630 हो गया और आप नहीं जा मान सकते क्या 630 हो गया क्या? यस सर हो गया। अरे भाई मैंने देखा नहीं बता देते, चलो ठीक है अगली क्लास में करवाता हूँ, मेरे को थैंक यू सर बता दिया।